एनडीए सरकार गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, स्पीकर पद अपने पास रखेगी बीजेपी। सोर्सेस से यह बड़ी अपडेट हमें मिल रही है कि स्पीकर का पद भाजपा अपने पास रखेगी। टीडीपी ने दरअसल स्पीकर पद की मांग की है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर आई। डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी टीडीपी को दे सकती है। दरअसल सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसे में घटक दलों की ओर से मंत्रालयों से संबंधित और गठबंधन में समर्थन जारी रखने संबंधी जो बातें हैं वो सोर्सेस के थ्रू बाहर आ रही, किसको कितने मंत्रालय चाहिए, कौन कौन से विभाग चाहिए। और टीडीपी स्पीकर का पद चाह रही थी, लेकिन उससे जुड़ी अपडेट ये है कि स्पीकर का पद जो है वो भाजपा अपने पास रखेगी, डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो दे सकती है बीजेपी। विनीत कुमार से इस पर अपडेट लेते हैं। जी विनीत, क्या खबर ताजा है सबसे जुड़ी हुई? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जीएमसी बालयोगी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्पीकर बने थे, उसी फॉर्मूले के तहत टीडीपी ने मांग की थी। वे जो हमारे सूत्र हमें बता रहे थे कि उन्हें स्पीकर का पोस्ट दिया जाए, लेकिन बीजेपी जो है वो उस वक्त की बीजेपी और इस वक्त की बीजेपी में काफी अंतर है। और बीजेपी की ओर से साफ तौर पर वह कहा गया है कि वो स्पीकर का पोस्ट तो नहीं दे सकती, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो टीडीपी को दे सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्यसभा में सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो डिप्टी पे मैं उपसभापति का जो पोस्ट है, डिप्टी चेयरमैन का जो पोस्ट है, वो जेडीयू को बीजेपी जो है वो दे सकती है। पहले भी डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पर हरिवंश थे और वो जेडीयू से थे। इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी जो है वो टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो ऑफर कर सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि टीडीपी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या फिर इसके बदले कुछ और मंत्रालय मांग लेती है, या फिर आर्थिक पैकेज जो है वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए छोड़ते वक्त आर्थिक पैकेज की मांग की थी, क्या वो आर्थिक पैकेज से एकोमोडेट हो जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विनीत।